नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे हरियाणा के करनाल में इस समय आप चलती गाड़ी से यह कवरेज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक भटके हुए बुजुर्ग को करनाल ब्रेकिंग की टीम जो है उनके घर पहुंचाने पहुंची है, रास्ते में है 35 किलोमीटर दूर। जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के कलवेड़ी गांव में एक बुजुर्ग जो है मिलते हैं जो बताते हैं कि वे भटक कर कई किलोमीटर दूर कलवेड़ी गांव में आ गए। काफी फोन जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने किए क्योंकि बुजुर्ग जिन्होंने बताया कि वे करनाल के घरोंडा के पास एक कोई भोला कॉलोनी पड़ते हैं वहां के रहने वाले हैं, कोई नंबर नहीं बता पा रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले एक राइस मिल का नंबर बताया, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 4 से 5 साल पहले ये वहां पर काम किया करते थे। उसके बाद हमने खुद हमारी टीम ने प्रयास किया था कि इनके बुजुर्ग को, क्योंकि हमने कह दिया था कि इनके बुजुर्ग जो है जो भटके हुए हैं को घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है क्योंकि रात के समय किस तरह से परेशान हो रहे होंगे परिवार के लोग भी। तो उसके बाद जब संपर्क साधा गया तो भोला कॉलोनी के किसी एक व्यक्ति का नंबर मिला, उनसे बात हुई तो इनकी पत्नी से बात हो पाई जिससे पता चला कि काफी गरीब परिवार है और वे उनको यहाँ लेने नहीं आ सकते हैं। जिसके बाद जो है इस समय निकले हैं उन बुजुर्ग को करनाल के कलवेड़ी गांव से हमने साथ लिया है और उनको लेकर घरोंडा के पास कोई भोला कॉलोनी है वहां पर उनको ढूंढेंगे, उनका घर ढूंढेंगे ताकि इस बुजुर्ग को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील क्योंकि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें क्योंकि जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पत्रकार की भी होती है। और इस समय आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो इस समय हमारे साथ गाड़ी में मौजूद है, हमारी टीम साथ गाड़ी में मौजूद है क्योंकि जिम्मेवारी बनती है कि इन बुजुर्ग व्यक्ति को इनके घर तक भी पहुंचाया जा सके। जिसके चलते समय आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर इस समय मौजूद है कलवेड़ी गांव जो घरोंडा से करीबन 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां से हमने इन बुजुर्ग को अपने साथ गाड़ी में बिठाया क्योंकि नंबर नहीं बता पा रहे थे, भटके हुए थे। आखिरकार पैदल चलते चलते इतनी दूर कैसे पहुंचे ये भी बड़ा सवाल है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग इस समय मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे हिमांशु क्या कुछ बताना चाहेंगे। इन बुजुर्ग को हम घर छोड़ने जा रहे हैं लेकिन जिम्मेवारी कहीं ना कहीं हमारी भी बनती है क्योंकि हमने कोशिश की कि इनका परिवार से संपर्क साधा जा सके, इनको यहां पर उनके परिवार के लोग लेने आ सके, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो हम ही निकल पड़े हैं रात को इन बुजुर्ग को इनके घर पहुंचाने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कमल, जिम्मेदारी बनती है करनाल ब्रेकिंग न्यूज संस्थान की कि हमने ये खबर दिखाई कि एक बुजुर्ग लापता हो गए हैं, अपने घर से भटक कर वो एक जगह पहुंच जाते हैं, गांव का नाम है कलवेड़ी। हम करनाल से पहुंचते हैं कलवेड़ी गांव, खबर दिखाते हैं और हमने ये बात की थी, हमने ये वायदा किया था कि जब तक इनके परिवार का कोई भी सदस्य आ नहीं जाता है तब तक हम वहीं पर रहेंगे और फिर हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। हमने संपर्क साधा राइस मिल वालों से क्योंकि ये पहले राइस शेलर में काम करते थे, उसके बाद हमने संपर्क साधा वहां के एमसी से जो भोला कॉलोनी के एमसी हैं वहां से, लेकिन वो उनकी पत्नी ने फोन उठाया, उनकी पत्नी ने एक नंबर दिया, वो रॉन्ग नंबर लग जाता है। उसके बाद फिर से हमने संपर्क साधा और फिर हमें एक नंबर और मिलता है और जब हम वो फोन मिलाते हैं तो चंद्रपाल जी की जो पत्नी है वो फोन उठाती हैं और वो बताती हैं कि ये मानसिक तौर पर फिलहाल थोड़े कमजोर चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से, और लगातार ये घर छोड़कर चले जाते हैं, इस तरीके से चले जाते हैं, कभी ये यूपी चले जाते हैं, कभी किसी और रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, यानी कि इनके बारे में जो है कोई जानकारी परिवार वालों को नहीं मिलती क्योंकि इनके पास भी कोई मोबाइल फोन नहीं है, बेहद ही गरीब परिवार से ये हैं और जब ये किसी और परिवार के पास चले जाते हैं, रिश्तेदार के पास चले जाते हैं तो वहां जाकर फोन कर देते हैं कि मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, लेकिन आज ये कलवेड़ी गांव पहुंच गए, घरोंडा से पैदल पैदल या किसी के साथ बैठकर ये वहां तक पहुंच जाते हैं लेकिन परिवार वालों को इस बात की सूचना तक नहीं होती। हमने कहा कि आपके परिवार से कोई लेने आ रहा है या फिर कोई नहीं आ सकता है, तो उन्होंने बताया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम कोई लेने नहीं आ सकता, ना हमारे पास बाइक है, ना हमारे पास कोई थ्री व्हीलर वगैरह है, ना ही हमारे पास ई रिक्शा वगैरह है, ना ही हमारे पास कोई गाड़ी है। तो कमल, हमारी जिम्मेदारी बनती है एक पत्रकार होने के नाते, एक अच्छा संस्थान होने के नाते, और फिलहाल हम अपनी गाड़ी में बिठाकर कलवेड़ी गांव से करनाल के रास्ते होते हुए उन्हें लेकर जा रहे हैं घरोंडा। एड्रेस जो हमें मिला है वो है अराईपुर जो रोड है, जो सड़क जाती है अराईपुर गांव की तरफ, वो वाली सड़क है और पन्ना राइस मिल करके हमें बताया गया है
भोला कॉलोनी बताई गई है, गरुंडा विधानसभा क्षेत्र बताया गया है जहाँ के ये रहने वाले हैं। मानसिक तौर पर कमजोर हैं कमल, और परिवार में ज्यादा कोई है नहीं, इनके बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, इनकी माँ है, लेकिन बेहद ही गरीब परिवार है तो कोई लेने आ नहीं सकता था। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि रात किसी की भी इस तरीके से ना जाए कि परिवार का सदस्य उनके नजदीक नहीं है, इसलिए परिवार के सदस्य को उनके घर तक पहुंचाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं इन व्यक्ति को करीबन 35 किलोमीटर दूर इनका घर वहां पर ढूंढना पड़ेगा। भोला कॉलोनी बताई है गरोंडा में, उनको वहां पर छोड़ने निकले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के लोगों से संपर्क साधना बहुत जरूरी था। तकरीबन पौना घंटा लग गया इनके परिवार के लोगों का पता लगाने में। हालांकि परिवार के जो गांव के लोग थे, कलवेड़ी गांव के लोग थे, उन्होंने 112 पर भी फोन किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बात हुई लेकिन पुलिस की टीम नहीं पहुंची। हालांकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं एक प्रयास किया जाना चाहिए था। जो काम इस समय पत्रकार कर रहे हैं वो काम पुलिस का था। हालांकि जब हम कलवेड़ी गांव से हवाई पट्टी से बाहर निकले तो बिल्कुल 1 किलोमीटर दूरी 24 घंटे वहां पर 112 की गाड़ी खड़ी रहती है। हालांकि उनकी तरफ से भी पहुंचकर इन बुजुर्ग की सहायता की जा सकती थी, लेकिन तकरीबन आप देख सकते हैं 2 घंटे हो चुके हैं। हम गांव में पहुंचे, 1 घंटा वहां पर रुके ताकि इनके परिवार से संपर्क साधा जा सके, और अब आप देख सकते हैं इन बुजुर्ग को लेकर हम जो है ले निकले हैं इस समय गरोंडा के लिए ताकि इनको इनके घर तक पहुंचाया जा सके। तो ये लाइव तस्वीर इस समय आप हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। ये लाइव तस्वीर इस समय आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, और इस समय हम मौजूद है करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा के नजदीक और गरोंडा के लिए निकले हैं क्योंकि सबसे पहले ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचानी जरूरी थी क्योंकि जिन लोगों ने इस खबर को शेयर किया था ताकि उन तक भी पता चले कि जो बुजुर्ग है उनकी पहचान हालांकि हो चुकी है। गरोंडा के भोला कॉलोनी के रहने वाले वो बता रहे हैं, और उसके बाद हालांकि उनके जब परिवार के लोगों से संपर्क किया तो काफी गरीब परिवार था, कोई व्हीकल उनके पास नहीं था और ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस समय अवेलेबल होता है क्योंकि रात के 10 बजने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम जो हमारे सभी सहयोगी है वो भी हमारे साथ निकले हैं, और इसके बाद जो है हम इनको घर छोड़ने के लिए निकले हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज अपनी तरफ से आपको कहता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें उसका मतलब ये होता है कि आपके एक शेयर की मदद से किसी जरूरतमंद की मदद हो सकती है, किसी गरीब की मदद हो सकती है, हर किसी उस शख्स की मदद हो सकती है जो परेशान चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति जो व्यक्ति है वो गरोंडा के भोला कॉलोनी का रहने वाला है, सुबह से लापता था। हालांकि हम धन्यवाद करते हैं कलवेड़ी गांव के तमाम लोगों का जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, और हम तुरंत हालांकि किसी से जरूरी मीटिंग में हमने जाना था लेकिन वहां पर हम नहीं गए, जिसके बाद तुरंत हम यहां पर पहुंचे, इनकी कवरेज की, हमने कवरेज को दिखाया, उसके बाद जो है इनके परिवार के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की। काफी देर लग गई, इनकी पत्नी से बात हो पाई लेकिन वो बता रही थी कि काफी गरीब परिवार है, उनके छोटे बच्चे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके पास कोई साधन नहीं था और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट था क्योंकि काफी गरीब परिवार है। उसके बाद जो है इन बुजुर्ग व्यक्ति को हमने अपनी गाड़ी में बिठाया और इनको लेकर चले हैं इनके घर पहुंचाने के लिए। घर ढूंढेंगे भोला कॉलोनी में ताकि परिवार के लोगों को इनके सुपुर्द किया जा सके। लेकिन हमारी अपील आप सभी से हाथ जोड़कर कि तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वो इसलिए क्योंकि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई बच्चा है, कोई दिमागी रूप से कमजोर है तो आप कोशिश ये करें, क्योंकि ऐसा अमूमन देखा जाता है जैसे कि इनकी पत्नी ने बताया कि कई बार ये भटक कर दूर दूर जा चुके हैं। इससे कम से कम एक मदद मिलती है कि आप ऐसे लोगों के हाथ पर अपना या तो घर का एड्रेस या अपना जो 24 घंटे आपका फोन नंबर हो, जो ऑन रहता हो, वो नंबर आप गुदवा सकते हैं ताकि इससे कहीं ना कहीं आसानी होती है परिवार के लोगों से संपर्क साधने में। ये तो शुक्र है कि गांव के लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया, अगर वो बार बार पुलिस को ही इन्फॉर्म करते रहते तो ये बुजुर्ग व्यक्ति इसी तरह से रात भर यहाँ गांव में सो जाते हैं। हालांकि गांव के लोगों ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया, कंबल दिया, चादर दी, खाना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेवारी पुलिस की भी बनती है 112 को। हालांकि उन्होंने गांव के लोगों ने बताया कि हमने फोन किया लेकिन पुलिस की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम चल पड़ी है इनको इनके घर तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप चप चप कहते हैं हम इस वीडियो को शेयर करें। आप शेयर करते हैं तभी ऐसे लोगों की मदद हो पाती है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस खबर को शेयर करें, और कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि जब इन बुजुर्ग व्यक्ति को इनके हम घर, इनके परिवार और इनके बच्चों के बीच में छोड़ेंगे वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।